सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। Hi guys, welcome back to Ambrose Reactions. This is Rehan. Hello guys, this is Bulbul. So we are back again with another reaction video. आज का वीडियो होने वाला है funniest Indian ads that are senseless and stupid. डकी भाई का वीडियो है और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी डकी भाई के इस वीडियो पर रिएक्शन करो जो कि अभी लेटेस्ट आया है और मैं बुलबुल का वेट कर रहा था काफ़ी दिन से कि बुलबुल आएगी तो हम करेंगे इस पर रिएक्शन। सो फाइनली शी इज़ हियर एंड वी आर डूइंग दिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है वीडियो बड़ी। इस ऐप के थ्रू आप सभी लेटेस्ट बॉलीवुड हॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री की मूवीज़ देख सकते हैं, लेटेस्ट या फिर ओल्ड। आपको सिर्फ उसमें टैब्स दिए होते हैं, वेब सीरीज़ का अलग टैब होता है, मूवीज़ का अलग टैब होता है, तो सब में आप अलग अलग टैब्स में जाके अलग अलग टाइप की मूवीज़ देख सकते हैं। और साथ में इसमें अगर आपको कोई मूवी मिल नहीं रही तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो बेस्ट वेबसाइट प्रोवाइड कराता है ये, जहाँ से आप मूवी बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी मूवी। मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मूवी ढूंढी हो और इस पर मिली ना हो, चाहे वो बॉलीवुड ले लो या हॉलीवुड ले लो, कहीं भी देख लेते हैं यार। हाँ। हो जाते तो मैं खुद देखने लग जाती बिल्कुल। सो गाइस, इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आपको करना ही है कि डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा अर्न मनी, एक लिंक खुलेगा, वहाँ एक वेबसाइट खुलेगी, वहाँ दिखेगा अर्न मनी और उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो ऐप आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाएगा, और ना हो तो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा डाउनलोड पेज पे। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना, अननोन सोर्स ऑन कर लेना, उसके बाद इंस्टॉल होगा और आप फिर लेटेस्ट मूवीज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो शुरू करते तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर यार इधर पाकिस्तान में रह रहा है कि ना, मैं थोड़ा बोर हो गया था। हर बंदा तो हमने कवर कर ही लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग पैन या किया ढूंढने के लिए बॉर्डर पार जाएं। हम बात करने वाले हैं इंडियन एड्स की, क्योंकि इधर के एड्स पे मैं पहले ही कई वीडियोस बना चुका हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बॉलीवुड एरिया एक्सप्लोर किया जाए, तो शुरू करते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ इतना ही हुआ कि एक मैडम रोड पे खड़े होकर किसी को कॉल कर रही थी, फिर कुछ मजबूर लौंडों ने उसे देख के पुंडी मारनी शुरू कर दी, जिसको देख के लड़की डर जाती है और वहां से भाग पड़ती है। अब आगे देखो क्या होता है। कोई है प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे कुछ भी मत करो। अब आबा कितना भगाएगी अम्मा। अरे तेरे को कुछ भी करने नहीं आए, वो तेरे हाथ में जो मोबाइल है वो कहां से लाए बोल के पूछने के वास्ते आए। ये फोन तो खुबा मोबाइल से ली। खुबा मोबाइल अच्छा, हैदराबाद में लोकल शॉप का है। कुबा मोबाइल Fuck everything, Kuba Mobile only. Kuba Mobile. इस एड को देखने के बाद तुम लोगों के ज़हन में जितनी गंदी गालियाँ आ रही हैं वो मैं समझ सकता हूँ। इससे बेहतर तो हमारा वसीम हसन शेख था। Excuse me, आप भी? कहकर कम से कम एड तो बना लेता था। माना कि एक्टर तुम लोगों के पास कुछ चुतियापे के हैं, लेकिन पैन जो एड की कोई लॉजिक तो बनाओ। लड़की से फोन का नाम पूछने के लिए सारों ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। भाई ऐसे लोग होते हैं दुकान में 5 रुपए की चीज लेने जाए तो 10 रुपए की चोरी करके आते हैं। ऐसे एड्स के जो एक्टर होते हैं ना, वो अपने इंस्टाग्राम की बायो पे किंग ऑफ बॉलीवुड लिख के ब्लू टिक के लिए अप्लाई करते हैं पैन। ये एड बनाने से बेहतर है पैन चोरी डाका मार लेते कहीं पे। ये क्या? ये भी पहली बार ही देख रही हूँ मैं। आचार खत्म आचार खत्म। Oh my God! आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। स्पेस में अचार खत्म हो गया और खबर ऐसे फैल रही है जैसे किसी टॉप यूट्यूबर प्रैंकस्टर के टोटे लीक हो गए हो। अब जितना तुम लोगों ने ये एड देख लिया, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये एड किस बारे में है? यही लग रहा है ना कि अचार का एड है? नहीं तो तैयार हो तैयार हो देखने के लिए कि इस दुनिया में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं लेकिन चूती एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते। मेरा बबलू, अभी अचार भेजेंगे लगता है उसके पापा दे रहे हैं। ये पंखे का है एकदम इन्होंने
वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये एड देखने से पहले मुझे लगा पैंच एवेंजर्स की कोई नई मूवी का ट्रेलर आया है। मुझे लगता था कि इस दुनिया में सबसे वेला मैं ही हूँ जो पूरा दिन घर में बैठा रहता हूँ, लेकिन ये एड देखने के बाद मुझे तसल्ली हुई है कि मुझसे ज्यादा वेले लोग हैं जो ये एड्स बनाते हैं। ऐसे एड्स देख के मुझे हौसला भी मिला है कि मैं सिर्फ वेला हूँ, चूतिया किस्म का काम नहीं कर रहा। ऐसे एड्स में काम करने से बेहतर है तुम किसी गली नुक्कड़ में जाके चरस फूंक के जहाज बन जाओ भाई। पंखे का एड था और बंदा स्पेस में चला गया, सोचो अगर एसी का एड होता तो बंदा कहां से कहां पहुंच जाता। पैन खैर मेरी इंडियन स्पेस एस्ट्रोनॉट कम्युनिटी से गुजारिश है कि खामखा तुम लोगों ने अपने पैसे रॉकेट पे जाया कर दिए जो कि चांद तक पहुंच भी नहीं पाया, इससे बेहतर पंखे ही ले लो। यार इंडिया वालों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड के साथ साथ फिजिक्स बोर्ड भी रखा जाए, कल को तुम लोगों के पास प्याज खत्म हो जाएगा तो क्या चांद से इम्पोर्ट कराना है? मतलब कोई सेंस ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं, कोई फिजिक्स ही नहीं। बहू। हाँ जी मम्मी। तुम लोग रोज रात को करते हो ना? रोज करते, पर उनको काफी दर्द होता है ना। तुम लोगों को ब्रांड बदलने की जरूरत है। पर सब तो बोलते हैं डॉक्टर्स का सुझाव नंबर वन ब्रांड है। तुम्हारे पापा और मैं रोज रात को यही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। पूरी रात प्रोटेक्शन, रिफ्रेशिंग और रिलैक्स्ड भी लगता है। तुम दोनों को भी रोज रात को करना चाहिए। ये वीडियो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है भाई? रोज रात को किया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, ब्रांड बदल लो ऊपर नीचे। भाई क्या चल रहा है भाई? ऊपर से ये बुड्ढी कहती है तुम्हारे पापा और मैं रोज रात को यही ब्रांड इस्तेमाल करते भाई। चलो ये दोनों तो फिर अभी जवान हैं, लेकिन बुढ़िए तू तो लिहाज कर ले अपना। जैसे ये बातें चुप ना, ऐसा लग रहा है जैसे जॉनी सिंस है इसका शोहर। ओरल का भी रखो। ओरल भी अब से सिर्फ एक्वा बाय। आया रे हीरो, आया रे मसूरों में तकलीफ। कीटाणु क्या पे टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। मतलब यार एड्स में मेरे ख्याल से ये लोग देखते ही नहीं है कि हो क्या रहे। मतलब इस बंदे ने सेब सामने से चुबाया और अपने जबड़े लेके बैठ गए। अभी अगर सेब सामने से चुबा रहे तो तेरे साइड पे पेट कैसे पहुंच गई भाई? वो थे ना स्कूल में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बॉल बैट्समैन के टांगों पे लगती है और वो अपने टट्टे लेके बैठ जाते हैं। आज सत्संग होगा वाणी पर। वाणी बाबा, बच्चे का नाम बाबा। बच्चे का नाम वाह, क्या नाम है? बाबा। हो गया हो गया, जाओ रस्तोगी। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बच्चा खुद पैदा किया तो नाम बाबा क्यों रखेगा। और शुक्र है बाबा का गला खराब था, पेट नहीं, वरना बाबा कहीं पा देता तो पता नहीं बच्चे का नाम लोग कहां से और कैसे पुकार रहे होते। यस मिस। आज मेरे कुमुद की शादी है, आज कुमुद की शादी है। ऐड किस चीज का था? बाय होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बच्चा बड़े होकर बाप बन गया और ये बाबा पैन जो वहीं का वहीं है ना। हाँ। खुद मर रहा है और ना ही इसकी खांसी मर रही है। इसका नाम होगा वो इस बार ले आया ग्लाइकोडिन। अब जिसने भी इस एड की स्टोरी बनाई है वो अपने आप में खुश फैमिली करके बैठा होगा कि भाई मुझे तो इस एड के बाद दो ऑस्कर मिलने ही मिलने हैं। तो पुत्र मैं तुझे बता दूं कि तेरे जैसे लोग होते हैं जो अपनी गांड एक ही पत्थर से तीन चार बार साफ करने के बाद उसे टैलेंट का नाम देते हैं। अब एक ऐप की एड देख लेते हैं जिसका नाम है हगो। हगो यानी कि टट्टी, टेक अ शिट। और जैसा इसका नाम है इसका एड भी वैसा ही है। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। ऐसे गर्लफ्रेंड कौन मांगता है? नहीं इतना चीखने की क्या जरूरत है बे? गर्लफ्रेंड मांग रहा है उसे भगा रहा है। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। चीख तो ऐसे रहा है जैसे शादी में बोतलें खत्म हो गई हूँ। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए भाई। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड पैंट, गर्लफ्रेंड। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए पैंट, मुझे गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। यार मतलब ये क्या तरीका है गर्लफ्रेंड मांगने का? खोती नस गई है भाई तेरी। फेमस हो जाते हैं आज लोग तो। हगो ऐप। <laughs>
अबे इतनी जल्दी तो बंदा पॉटी करके गांड धो के बाथरूम से बाहर नहीं निकलता जितनी जल्दी इसे बंदी मिल गई है। ये मेरा फ्रेंड यशराज और ये है उसकी गर्लफ्रेंड, ये लोग पिछले 4 महीने से साथ में है। ये है मेरा फ्रेंड स्वप्निल, ये है उसकी गर्लफ्रेंड और ये लोग साथ में है पिछले 2 महीने से। और ये मेरा दोस्त तौसिफ, वो पिछले 22 साल से सिंगल था क्योंकि उसने उस टाइम पे हागो में गेम्स नहीं खेले। ये बंदा पिछले 22 साल से सिंगल था क्योंकि इसने तब हागो ऐप यूज नहीं की थी। अरे 22 साल पहले तुम्हारी किस बेबे ने ऐप बनाई थी भाई? ऐप छोड़ो, मोबाइल भी नहीं होते थे तब तो। अबे साले मैट्रिक पास छोड़ो, स्कूल की 5 जमातें भी पढ़ लेते ना पूरी तो आज ऐसे चुतियापे के एड्स ना बनते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा आपने, जरा फिर से कहोगे? हाँ, मैं फिर से कहूंगी अगर तुम मेरे साथ ट्रेजर हंट ज्वाइन करके हागो पे गिफ्ट जीतोगे। जिन लोगों ने नोटिस नहीं ना किया, ये वही लड़की है जो पिछले एड में इस लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई थी और अब इसे कह रही है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्होंने खाने के लिए उस्मान रखा होता है, ड्राइवर के लिए अली रखा होता है, कॉलेज में बैग उठाने के लिए इफ्तिखार, टाइम पास करने के लिए अबरार, पैसे लेने के लिए रियाज, देने के लिए बिलावल और फिर इन आप बोल दो तो ट्विटर पे मर्दों की बुराइयां करने की कैंपेन शुरू कर देती है। इन जैसी लड़कियां होती है जो मेडिकल में 4 सप्लियां लेके अपने इंस्टाग्राम की बायो पे एक होती है पैन यकी, फिर आती है महा पैन यकी और फिर आते हैं ऐसे एड्स। ऐसे एड्स में काम करने वाले अगर एक्टर है ना तो टिकटॉक बनाने वाले वाकई सेलिब्रिटी हैं और पबजी खेलने वाला तो पैन जो फौजी है भाई। तो यार बस आज के लिए इतना ही और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने में मेरी राजा जी ने बहुत हेल्प की है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो के बाद इसका चैनल पे जाओ और इसकी वीडियोस देखो। यार क्या वीडियोस बनाते हैं भाई साहब, नीचे लिंक दी होगी मैंने डिस्क्रिप्शन में, लाजमी चेक करना। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ, वो बहुत जरूरी है भाई, बेल आइकन बहुत जरूरी है। और वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाला तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। ये भी दिन आना था, तेरी बेबी ने मुझसे करवाना था, वो यूनी में ने ये कौन सा सॉन्ग लगाया। खैर वीडियो इन्होंने बहुत ही दमदार बनाया है, ये वाला बहुत ज्यादा मजा आया वीडियो देखकर। हां और जो मुझे लगता है इस तरह के एड्स इसलिए बनाते ना ताकि लोग याद रखेंगे उसे बहुत दिन तक और ये भी याद रहेगा कि यार ये एड उस चीज का है। मुझे लगता है इसलिए इस तरह के एड सेंसलेस एड्स बनाते हैं और मुझे लगता है कि जो अच्छे एड्स बनाते हैं ना वो ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो एड कोई ध्यान से नहीं देखता, बोर हो जाते हैं लोग उससे। और इस तरह के जो एड बनाते हैं जो अलग ही लेवल होता है। तो यार वो टूथपेस्ट वाला तो कुछ ज्यादा ही हो गया। टूथपेस्ट वाला तो ठीक ठीक पर वो फैन वाला, अरे यार प्लीज। मैं तो गर्मी वैसे स्टार्ट होने वाली सोच रही हूँ वही फैन लगवाऊँ अब घर में। मुझे तो वो हागो ऐप का वो बहुत सही लगा जो इन्होंने बोला, वो लड़की का वो पहले उसके साथ रहती हूँ फिर दूसरे ऐड में वो दूसरे बंदे को बोलती हूँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, उसके बारे में जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन दिया जो उसे डिस्क्राइब किया वैसे गर्ल्स को बहुत बहुत सही किया, मतलब ये इसका ये उससे होता है वो उससे होता है, जाती है उसके पास अलग रहता है उठाने का काम, वो बहुत सही लगा। खैर गाइस आप लोग बताइए आप लोगों ने कितना एंजॉय किया इस वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, राइट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।